नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आप सभी किस प्रकार से एक दिन में या एक रात में थोड़े से समय में ये बोलो कुछ भी बोल लो, परंतु हम विज्ञान विषय की साइंस विषय की प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तो पूरी आपको इस वीडियो में पूरी रणनीति बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस चैनल पर पेपर भी डालेंगे, पेपर के क्वेश्चन आंसर सारे कुछ प्रोवाइड होंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको अगर आपके पास प्रश्न बैंक है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी है तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है कि क्लास नाइन्थ साइंस ब्लूप्रिंट, है ना, ब्लूप्रिंट, वहाँ पर जो आपका क्लास टेंथ का है क्लास नाइन्थ का जो भी है ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट को देखना है ना। उसके बाद आपको देखना क्या है कि हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई इसमें कौन कौन सा अध्याय आना है। तो देखिए, मैं क्लास टेंथ के लिए बता दूँ कि कौन कौन से अध्याय जो आना है आपके लिए, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका अध्याय एक आना है, अध्याय दो आना है, अध्याय तीन, अध्याय चार आना है, ठीक है, अध्याय छः आना है, अध्याय सात आना है, अध्याय आठ, अध्याय नौ, अध्याय दस, अध्याय ग्यारह, अध्याय बारह और अध्याय पंद्रह, ठीक है, ये सारे कुछ आएंगे। बाकी आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, या फिर अगर आप चाहे तो सिलेबस भी पढ़ सकते हैं मासिक कैलेंडर का, उसमें जो है जनवरी तक का मतलब जो है आपका स्कूल कब से लगा था, जुलाई से, है ना, अगस्त जून जुलाई, है ना, तो जुलाई से लगा करके आपको नवंबर तक का सिलेबस जो है देख लेना है, ठीक है। अब देखिए, आपको ब्लूप्रिंट पर फोकस करना है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आना है। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, आपको सबसे पहले एक अंक की तैयारी करनी है, किस अंक की, एक अंक की, सबसे पहले आपको एक अंक की तैयारी करना है कि एक अंक के आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 32, तो आपको इनको प्रिपेयर कर लेना है। 32 की जगह आपको कितने याद करने हैं, 60, और आप चाहे तो 100 याद कर ले, है ना, तो इसमें 32 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये यहाँ पर आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इतने अंक की तैयारी करना है, सबसे पहले एक अंक वालों की, है ना, एक अंक वालों किसे करोगे, यहाँ पर जो है विज्ञान में आपको जो सा चैप्टर चाहे वो चैप्टर निकाल सकते हो। उसके बाद आपको सबसे पहले उसके रिक्त स्थान, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड फिलिंग्स एंड ब्लैंक्स, नहीं सॉरी इंग्लिश में है, उसके बाद सही जोड़ी है, ठीक है, सही जोड़ी के बाद जो है युग्मेलनम है ना, युग्मेलनम जो भी बोल दे, इस प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ एक अंक की तैयारी करना है। उसके बाद आपको आ जाना है किस अंक पर, आपको आ जाना है दो अंक पर, तीन अंक पर और चार अंक पर, और इन अंकों को आपको एक साथ नहीं याद करना है, आपको इनको चैप्टर वाइज याद करना है, सी एच का फॉर्मूला वाइज याद करना है। आपको सबसे पहले चैप्टर निकालना है, चैप्टर, उसके बाद आपको उसमें से देखना है कितने अंक के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद जितने अंक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि तीन अंक का मान लीजिए एक चैप्टर में दो आ रहा है और दो अंक का एक आ रहा है, तो पहले आपको तीन अंक का याद करने है, उसके बाद ये दो अंक का देखना है, दो अंक के, है ना। इस प्रकार से आपकी तैयारी होगी, पूरी तैयारी वैसे करवाई जाएगी, परंतु ये वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है किस प्रकार से तैयारी करना है। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें, कुछ भी माइंड में थॉट्स नहीं लाए कि कितना याद होगा कितना याद नहीं होगा, आपको सिर्फ याद करते जाना है, जिसको बिल्कुल याद नहीं है। उसके बाद जिसने याद कर रखा है वो सिर्फ क्या करे, रिवीजन करे, है ना, रिवीजन भी करवाया जाएगा आपको इस चैनल पर जितना भी हो सके उतना, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।